बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, लालू परिवार के खिलाफ हमेशा से ही समन आते रहे हैं। उन्होंने कहा है, परिवार को 30 साल से परेशान किया जा रहा है, हम तो इसे झेल रहे हैं और आगे भी झेलेंगे। वहीं राबड़ी देवी का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, कथित तौर पर जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत करीब 14 लोगों को समन भेजा गया है। वहीं बिहार बजट सत्र के दौरान पहुंची राबड़ी देवी ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू परिवार को हमेशा से ही नोटिस भेजे जाते रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, इससे ना हम डरने वाले हैं और ना ही भागने वाले हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसा कि कुछ लोग भाग जाते हैं, लेकिन हम नहीं भागेंगे। मोदी सबको भगा रहे हैं, नीरव मोदी को भगाए ना, कॉलेज लेकर भाग गया, भागने वाला है। मोदी जी सहायता की पूछ रहे हैं समय। ये बार बार विपक्ष को इस तरह से तंग कैसे हो कर रहा है लोग, सीबीआई का, ईडी का, आईटी का? डर है ना, लालू जी से डर है, बिहार में लालू जी से डर है, इसीलिए हम लोग को बांधना चाहता था। हम लोग बनाने वाला आदमी थोड़ी है, ना भागने वाला आदमी। पूरा जवाब दिया है, क्या बात देखते नहीं है? 30 साल से हम लोग को परेशान लोग कर रहा है, 30 साल से हम लोग झेले नहीं रहे हैं, आगे भी झेलेंगे। कोई भागना नहीं है ना, कोई हम लोग क्या क्या